लगी चोट जीत गा माँ मैं भोपाल मारे तो ये बालक पे ताऊ जी होका बर्दू होका तो तू रहन दे तेरी काम करो तुम बचाओ फर्द पकड़ाओ एक बार पेपर चिचड़ दो आज मैं पूरी चल ठीक है उस पे ले जी अपनी तई पे फर्द दे दिए सर ठीक है दे दूंगी कागज चलो बुआ बुला रही चलो पांच सात सी मार लू चल तू खेल ले देखी छोरी आगे इसकी गल खेल ले चले आ जा तू खेल ले मैं कुछ काम कर लो आ जा ठीक है जी खेल ले दोनों ऐसे भी दे दे थोड़े से कंचर तू भी ले ले ठीक है माँ परी चल चलेंगे अरे आ जा की खेल लें दे तावड़ी आइए खेल ले कदे हेल लगी रे ठीक है चल खेल लो तो हाँ चलो भाई ठीक है तो ले जाइए तुम्हें कागज ताऊ जी कागज तो ले जा मैं बाद में बात वानी बात तो सारी मजे है मेरे भाई राजू की चिंता खागी मजे यू कद लो जा कत रहेगा अरे भैया मैं रोटी टुकड़ा कर लूं फिर ले जाइए तू कागज ठीक है भाई चलो नु कर लो बाद में आ जाऊंगा और ना फिर जगह से आ जाएगा कोई सब ना देती हो ठीक है ना ठीक हाँ जग्गा शेरा कहाँ हो हेलो अरे कहाँ हो हाँ यहीं पे हूँ अपने अड्डे पे भाई मजे मिलना है भी एकदम अरे कुछ बड़ा मामला है और वो बड़ाई करना कुछ मिलो मेरे ते हाँ हाँ तो मैं बड़ाई तो करना चाहता हूँ मेरे भाई मिलते हैं हाँ बता क्या क्या बती क्या काम बिगड़ी क्या तेरा दो घड़ी कहीं बैठने देगी भी दो घुट मान गया तो कमे तेरे वहां छोरी भेज दी थे पूरे दिन बैठने का ही काम रहे कुछ घर की मायना भी लखा लग रहे ट्रैक्टर हटा दो यहाँ से ट्रैक्टर हटवाने के लिए बुलाया मैं और कर लेते कुछ इतना और क्या करूँ मिस्त्री लग रहे हैं उन्हें भी यहाँ जगह चाहिए इधर ये ट्रैक्टर अड़ रहा है निमट गया तेरा काम तो मैं तो कुछ काम है नहीं मजे भी कुछ मत करन दो बिल्कुल भी ले मेरे के छत्ती पर धरा जाएगा मैं भी बैठी हूँ छोरी कहाँ थी अरे बुआ के बताऊं एक लोंडा 25-26 साल का और इबलो कंचे खेल रहा है और मजे भी उसने वही लगा ली बेकूफ सा बेकूफ बता रही है तने कैसा बेकूफ लगा हुआ आधे गांव ना खरीद दो उसमें थोड़ा सा शुद्धापन है बावड़ा बता रहे थे मुझे बावड़ा बिल्कुल नहीं है वो लाड में बिगड़ रहा तो घर को ना पढ़ने को तो कहानी तोड़ा उनका किसी चीज का है नहीं बस अच्छा ऐसी बात है वो तो मुझे यूं कह रहा था खेलना ना जाया करे खेलिया आया करे कोई बात लड़का तो वो बढ़िया है बस उसका दिमाग ही ऐसा हो रहा मैं भी उसकी हेल्प करूंगी क्या पता वो बदल ही जावे उस्ताद जी आज तो ये फोन ही हाथों लगे कुछ मोटा आइटम नहीं हाथ लगा अबे ये छोटे मोटे चोरी से काम नहीं चलेगा कुछ बड़ा करो बे अबे देरों के नहीं बोला चल पकड़िए शेरा आओ भाई बैठो ओ बैठने के लिए ला भाई शेरा एक बड़ा मामला है मेरे दोरे बता क्या परसेंटेज लेगा देख भाई ये रोज मीट खाता है इसको रोज दारू चाहिए ये सबका अलग अलग नखरा है भाई पैसा तो लगेगा ना भाई हाँ तो बता ना फिर कितना लगेगा देखो भाई मैं हाफ से नीचे काम नहीं करता क्योंकि ये धंधे का भी तो इज्जत करना पड़ेगा ना आप कुछ नहीं काम पूरा दाम पूरा मैं पूरा दे माँ ये शेरा का वादा है शेरा का वादा और शेर का पंजा कभी खाली नहीं जाता इसीलिए आया मैं तेरे पास चल भाई तू काम बता काम सुन ले शेरा मेरे ताऊ का इकलौता लड़का है राजू
से जितना डराऊंगे इतना ही मिलेगा। बस इतनी सी बात? हाँ तो हो जाएगा काम। उसके ऊपर जाती ही नीचे का सारा मेरा। हाँ तो कुछ माल पानी लाओ, क्योंकि इन लोगों के शाम के लिए कुछ चाहिए ना। बोलो भाई क्या चाहिए तुम लोगों को? जी मुर्गा और जा बड़ी बड़ी पोतले। सुनिए शौक, ऐसा पाल रखे ये लोग? कोई नहीं, भिजवा दूंगा मैं। चलिए ठीक है, तो काम हो जाएगा भाई। बस 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 बस। चलो बे, एक काम तो हो गया, इसको ले जाकर मार्केट में बेच दो, ठीक है? चल पकड़। आ जाओ इसके मार अर्जो लगी ना फिर मैं खेलूंगी ना, मैं नहीं खेलने की। ठीक है अभी मारूंगा। अब तेरी लगी नहीं, अब मेरी बाजी आ गई। इसमें गोली आनी नहीं, खेल। नहीं ना, अभी से मार। ना लगी। चल बे टिल्लू। तू मार। इसे मार। वहाँ जा। इसे मार। खेल है, ना लगी। चल, चल रहा है बिल्लू। मार, ले। मार दे। बस फेल है, मैं जीत गया। चल भाई। और मैं रोटी खा लूं, फिर कहियो खेलने। अब ना चलो जाओ, मैं रोटी खा के आ रहा हूँ और जब यो खेल जाओ। जा भूरे। अरे बच गए, अच्छी आपत आई हुई तो। पर कोई बात नहीं, अब क्या मैं जीतूंगा क्या? हाँ तुम कैसे टेंशन में बैठे हो और काहे की टेंशन ले रहे हो? पता किसी बात करे तो टेंशन ही टेंशन है सारी। उलाद परमात्मा ढंग से की दे देता तो कुछ टेंशन थी नहीं। यू इतना धन दौलत पता क्या होगा इसको? कोई बात ना, तुम टेंशन ना ले, सब ठीक करेगा भगवान। बनवी जी पे जोर से पिटू जा बाजी बात, क्या सारी प्रॉपर्टी नहीं देना बिराना। तुम चिंता ना करो, सब काम ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे बेर बिरान हो जाएगी, है हमारा छोरा, सब आ जाएगी बुद्धि से। वह जग्गा कालू, अरे कहाँ मर गए सब के सब? उस्ताद। अबे सिर्फ बैठे रहोगे कि कुछ माल पानी भी छीन छान के लाओगे? कितना दिन हो गए बैठे हो यार, जाओ कुछ करके लाओ। भाई चलो चलो। अरे यार इतनी कैडी धूप निकल रही है, अब लोग कोई आया? अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर आओगा। अरे चिंता ना करे यार, चमकती धूप में चमकता माल आओगा। देख भाई वाह क्या माल आ रहा। अरे बिल्ला तो माल भी बहुत कह रही। सही कह रहा भाई, जिनके पुम के थोड़ा कुछ तो मिलेगा, और नहीं कुछ मिलेगा। लूट लो आज इसे। चलो जी से ही आ जाएगा। चलो। अरे जाने मन कहा जा रही क्या है? अरे बिल्ला यार मजा तो तार दे। क्या है सारा लूट लगे? तारे में शर्म नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? मैडम आई लव यू। इतनी जोर का चाटा मारूंगी याद रखा, डेढ़ कुत्ते से। कहाँ कह रही हूँ लूटे से? कुत्ते मेरा हाथ छोड़, तेरी आँख नोच के खा जाऊंगी मैं, ध्यान रखे। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है भी, सारा माल दे दा काट के। अच्छा हाँ छोड़ देंगे तो। हाथ तो छोड़ मेरा, जब तो दूंगी। चलो रे चलो जज। चल देख लूंगी मैं तुम्हें, ध्यान रखिए। जा लग रही मैं थाने में और थारी रिपोर्ट करकाऊंगी, ध्यान रखियो। जा मनु कह रही। हाँ ये जो भोपाल की बहू की भतीजी है। अच्छा यू मारे राजू की गल
खूब खेल रहा है। अच्छा। और इसका जी भी लगा है उसकी गैल खेलने में, इससे नहीं डिगती, वो भगा ऐसे भी नहीं भागती। अच्छा। मैं तुमसे नू कह रही हूँ, अगर भोपाल से बात करके देख लो, मार राजू की गैल ब्याह कर देते छोरी का। अरे कदम ना करे। करेंगे क्यों ना, हमारे इतनी जमीन जायदाद है, खूब कर देंगे धन के ऊपर। तुम एक बात कह तो सही उससे। ठीक कह रही, और जो तू एक काम कर, एक बार तू जी भरोसा का एड के जा इसके भोपाल की, फिर कर लेगा उल्टी बात। अरे आदमी तो छेड़ा है रिश्ते ब्याह की बात, भोपाल की बहू को तो मैं आपसे मान लूंगी, तुम भोपाल से कह। ठीक कह रही, चल मैं बूझ लू, मैं वो यहाँ वगैरह शांत सुझ को तो यहाँ बूझ लू, मैंने जाके बिल बूझ लिया, भोपाल की बहू को मैं संभाल लूंगी अपना आप। बस तू संभाल दिए तेरी, इसका ब्याह हो जाओगा, कोई जीव हो जाओगा, तुम्हारा नाम चल जाएगा। हम मैं यही तो चिंता हाँ, तो बस ये चिंता हमारी दूर हो जाएगी। देखो बहू जब परमात्मा सुनेंगे। रुक रुक, ऐ परी मेरी बात सुन ले, अब मैं किसी गैल नहीं खेलने का। क्यों, क्या बात हो गई? अब बात क्या होगी, मेरे कंचे ले गए और बेईमानी कर ली, अन्यू कंचे ले जाने से मारा कुछ बिगड़ा है, मारे भतेरा सामान पड़ा, भतेरे अमीर है हम तो, हमारे तो भतेरी दौलत पड़ी, न्यू का मारा कुछ बिगड़ा है। चलो कोई बात नहीं, तुम पढ़ लो। पढ़ के मैं क्या करूँ, हाँ मैं तो भतेरा पढ़ा लिखा हूँ, मैं सारे हिसाब जानू, सारे पाढ़े जानू, सब हिसाब लगाना आवे मेरे पे। अच्छा चल ठीक है, तेरे पे सारा हिसाब आवे, अब तू अपने घर जा। तू कह रही है तो मैं जाऊं, पर तू भी चल। ना ना मैं ना जाऊं। ना वहीं खेल लेंगे। ना। ठीक है तो रोटी खाते याद ही है। ठीक है। हैं? क्या तो? मैं भी खा लूं और तू भी खा गई जब खेल लेंगे। मिस्त्री क्या कहता है, कुछ और भी ईंट से आ गए इस गड्ढे में? 500 ईंट बता गया था। ले आऊंगा 500 और ले। अरे क्या हाल है भाई भोपाल राजी भी? ठीक है महाराज भी राजा। आगे मैं कुछ गहरी बतला रहे देखो। पानी ला दे तू। और बता जई कटकी तेरी है? कटकी हां भाई। ई भी कुछ लिकड़ा ले कुड़ू नहीं भाई। कुछ लिकड़ा भी कुड़ू भाई। मौसम खराब था हम तो। ले पानी पी। पी तू पी। बता पी तू। बैठ जा तू भी। कुछ बतला मांगे। और बढ़िया। बता बा राजवीर क्या बतला बता। भाई बतलाने की तो नू है, सुन ले दोनों को ही बता रहा हूँ। यह जो तेरे साले की छोरी है भैया, कुछ मेरी सीमेंट सीमा आवे राजू के नाम की, देख जो थारी भी खूब सीमेंट माता और उस तक तसल्ली कर लिए, वह हम ब्याह करण में राजी है, जो हो जा तो देख लो। बस ठीक है, अभी अपने भाई तो बतला लेगी और सांझ को बातचीत करके बता देंगे हम। ठीक है भाई, और एक बात मैं और बता रहा, कुछ नहीं चाहता कुछ भी भाई, परमात्मा की दया तो सभी मौज ही मौज है, और तुम करवा दो इस काम से वो हो जाए भाई, देख लियो खूब तसल्ली कर लियो। और मैं तो एक बात कहूँ, मारी डब तक कभी कोई शिकायत नहीं आवे, ठीक है? और भाई काम से तुम करवा दो, देख घना पेटिया, और चाहता कुछ नहीं भाई, बनू है कुछ कि बस फेरे से फिर जा। हाँ हाँ कर दी। हमारे गांव में स्थित बिटिया घर नहीं है और इतना ज्यादा जमीन नहीं है, सही डाला बिटियांगे अपने भाई तक बतला लिया, जो इसी में जमाती हो इस तरह बिटिया नहीं मिला छोरा कहीं भी। कभी मेरा भाई ऐसा पागल मानने लगा। पागल पुगल नहीं है वो, शुद्धा ही है बेचारा, वो बाड़ा कूद दिया है इसमें, पर तू रह नहीं दे अपने भाई तक बात करूँ, मैं करूँगा खुद बात उस तरह सारी। ले तुम कर लियो। मैं नू कह रही हूँ ब्याह की बात दो चार आदमी के कानों में तो घेर दो। तू इतनी उमाई गहनी ना बने। हाँ मैं कहाँ ब्याह को बोलन दे, ज्यादा जिक्र ठीक ना होते, अपना घर कुंड बेचने बतला लेंगे। अरे रंजीत है। अरे रंजीत सुनिए पूरे का, अपना कुंडे की रंजीत की सलाह ले ले, ठीक है ना? बोझ लो। हाँ कहाँ अंडे तू? राम राम भाई राम। बात बताना ब्याह की। ब्याह? हाँ ब्याह किसका?
राजू का कौन ब्याह करता है बताओ जी, तुम भी की बात बताने लग रहे हो। अरे लगा रही एक ताल कंजी सी एक जगह था ताऊ जी, ऐसा है ताई जी इस चक्कर में ना पड़ो, क्यों किसी की लोंडी के जीवन खराब करने लग रहे तब। अरे जुकर चली नू ही चलाओ जाओ, कुछ ही बता रहे मेरा तब भी कहीं का भी आठा रहे। रणजीत बहुत बढ़िया जुगाड़ बैठ रहा, बैठ लेने दे, चोखा धन होगा धन के लपेटे से वो जगह ना और कोई भी ना करे मेरे यार। अरे ताऊ जी नू तो देख लो सब बुद्धि नाम की चीज नहीं है, तुम भी के बात कर रहे बा कमा का या जड़ू सी मन तबा रहे मेरे बा, मैं से मत नहीं होने का देखता ही बिल्कुल नहीं। अरे रफ्यू के आगे बुद्धि कुछ नहीं करती, मगर ताल सी बैठ जा देख ले इस रफ्य के अंगे तो लाग रहे किसी की लोंडी का जीवन खराब करने तुम बहुत बढ़िया भाई। अरे तो नू तो बता हमारे बुढ़ापे की कौन सेवा करेगा, कैसा बुढ़ापा हमारा कटेगा। ताई जी सेवा के लिए मैं बैठा तो ताऊ जी सेवा माज लो कुछ डकान दी के। अरे रंजीत बेटा तू तो है ही सेवा की नियम, पर हम सोच रहे हैं कि भैया राजू के फेरे फिर जाएंगे तो मेरे घर में बहू आ जाएगी, उसकी सेवा चाह रहे हम तो। ताई जी ऐसी है ताऊ जी करवा लियो सेवा, देख मैं इस बात से सहमत नहीं होगा बिल्कुल भी, या समझ में आई नहीं। ये कुण बेबड़ू का युद्ध है, कहीं ताल बैठ जा अति ये नहीं मानते, ये होनी ना दे होनी नहीं। हम बाट देख रहे मुंह ठाक है अगर जो मैं बस कुछ नहीं भाई। खेलने कहेगी खेलन नहीं आई, ना खेलन आऊंगी खेलन आऊंगी, आई ना तो खेलने आना चाहिए, और नारी तो मैं तो चलू आई, मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं वही खेल लूंगा जाके। चलो यार ए, रुक ये बात है भाई, चल पैसे निकाल। कहाँ के पैसे भाई? तुझे जन्नत दिखाएंगे। जन्नत? जन्नत की हो गई? पहले 20,000 दे तभी तो तुझे पता चलेगा जन्नत क्या होता है। हाँ सच में जन्नत दिखा दोगे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा फिर तो मैं ला दूंगा पैसे, पर तुम्हें जन्नत दिखानी पड़ेगी। अरे भाई ये शेर सिंह का वादा है, तुझे जन्नत जरूर दिखेंगे क्या भाई। ठीक है तो मैं पैसे ला रहा हूँ अभी गया। अरे भी आया। हाँ हाँ हम यही इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। कहाँ जा रहा तू? पैसे देने जा रहा हूँ। पैसे कहाँ से आए तेरे पे? चोरी करके ले आऊं। के करेगा तू इन पीसों का? शेरा को दूंगा। क्यों देगा? जन्नत दिखाओगा ना मुझे, ना दूंगा तो मारेगा फिर। तुझे पता ना चोरी करना पाप है? हैं पाप है? जहाँ से लाया वहीं रखिया। अच्छा पाप है, मैं दे रहा हूँ, यहीं रहिए कंचे खेल लेंगे। ठीक है। करनी हो तो भाई। ए लाए पैसा? भाई मैंने लेने का पैसे, चोरी करना पाप है, मैं चोरी नहीं करूंगा। ओ थालिया मुझे चोरी करना पाप है तेरा। भाई मैं चोरी नहीं करने का, जा जो मर्जी कर लो तब। अरे बिल्ला मारे मेरे इसको ऊपर फेंक एक बार बताओ इसे। ए ए ले छोड़ दे, मत छोड़ दे अंधा। ए ए रुक रुक रुक, ए सच सच बता दे पैसा लाया है कि नहीं? नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? चोरी करना पाप है। नहीं पाप है। अरे आज तो तुझे छोड़ रहे हैं लेकिन कल पैसा चाहिए। ए चल रे भाई। और कुत मारवा घने खींच के भूल जाएगा छकड़ी। हाँ भाई। हाँ शेरा। अरे तुम्हारा ये शिकार कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है। क्या कह रहा? हाँ ये चोरी करने को पाप बता रहा है ये। आशा है पाप और पुण्य के चक्कर में अमना बढ़ते खल्लास करो डंगा। ठीक है भाई बस सपाया। ठीक है भाई। उषा एक बात मेरे दिमाग में बहुत खट गया, मेरे कुछ ऐसा ध्यान है जी भी राजेंद्र हुआ, डॉक्टर ने एक बार नू कह रही थी कि जुड़वा बड़ा था। बस हर तो दिमाग में बेफजूल की बात खटकती रहे,
अरे कहने का मतलब यू है कि हॉस्पिटल वालों ने हमारा बालक चुरा लिया? अरे नहीं, मैं तो बस पता ना क्यों है या बात दिमाग में, दो जत्ते अपना दोनों भाई खेलियो सी जत्ते तो यह दिक्कत सी न रहती। खेल ले दौर थी, चले जाओ तुम उसे राजू को ढूंढ लाओ, रोटी खावेगा जाओ। चल मैं जाऊं देख, या एक और निगाह होगी इसको, बावड़े को नहीं पता कद रोटी खानी कद घरू आना। एक काम कर, जाओ खेल रहे हैं, तू बुला ले, तू तो तू जल्दी मैं लाऊं जी, बुला जा। नहीं लगा, मैं मारूंगा, मैं हूं निशानेबाज। ऊपर ना नीचे देख, नीचे यू कछुआ सा कहां लेकर चल दे हमारा राजू को, पता ही ना तड़ी तड़े ले बुझाई तो। यू कौन सी बेल का कचरा गिरी लग रहा, निकाने कचरे की तरह से ठोकर मार देता लुढ़कता चला जावे था, ऐसा लग रहा है। तो परी बेटा यहाँ बेटा और बता तुम क्या बहन भैया हो? मैं ठीक हूँ। खेल लिया? तेरे पिताजी का क्या नाम है बेटा? मेरे पिताजी का नाम मच्छिंदर पाल है। और मम्मी का? ओमवती। नाम तो बढ़िया दोनों के। और बेटा तू पढ़े कौन सी क्लास में? मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ जी। अच्छा, 12वीं कर ली जी। तू नो बता महाराज राजू कैसा लगा तुझे? वो तो ठीक है जी। ठीक है बेटा, खेल लग रहे दोनों एक गेंद। ये धर्मवीर के पीछे लिखे थे क्या था? हिसाब किताब तो थारे हाथ में है, मैंने कदम लिख लिए। अरे लिख तो तू भी सके, नहीं लिख सकती। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी राम राम। राम राम। आगे और क्या कर रहे थे? पर अक्कर की रहस पे राम मेरे पे 6.5 लाख रुपए जा रहे और देन का नाम नहीं ले रहा, कभी कह दे जी गेहूं काट के दिन कर दियो, दिमाग खराब तगद्दा करो ना, नु कौन रखेगा? मैं करूंगा तगद्दा भी भाई, पर मैं तो नु आया था। अच्छा, तड़की एक तो मुझे ट्रैक्टर दे दो, मैं ट्रैक्टर लेके जाऊंगा। अच्छा ले जाइए, वो धरती सारी एक सार कर दूंगा ताई जी मैं। अरे मेरा भाई है तो राजू, मम्मी राजेश के हमदर्दी रह देता हूँ जी, घनी तो मैं पता ही है पैसे मांगते। अरे बता मेरे पे नाचा नहीं जाता, देर ने भी पड़े ही हैं या अभी कुछ बात है? चल आ जाएंगे नू, तू आएंगे से तो काट देना मेरे डब्बे। ए ये पकड़ पकड़ कर। राजू उठो, राजू तुम्हें क्या हुआ? मुझे बिल्ला ने शेरा ने मारा। तुम यहाँ करने क्या आए थे? मैं तो थारे घरों जा रहा था कंचे खेलन, जब तू ही ना आई।
राजू तुम मेरी बात मानोगे? तुम्हें ना मेरी कसम है, तुम किसी को मत बताना तुम्हें शेरा ने और बिल्ला ने मारा था। नहीं बताऊं। चलो अब घर चलते हैं। भाई। हाँ सर। आपने मुझे जो काम सौंपा था ना? हाँ। वो मैंने खलास कर दिया। शाबाश, आज की पार्टी मेरी तरफ से तेरी पूरी टीम की। ठीक है भाई। ओके। या सब मेरी है मेरी, दूर लो मेरी, या भी मेरी, घर भी मेरा, ताऊ। मेरी लिए ही लग रहे तुम। इसकी सर्विस भी करवा ला करो, यही पूछो जाओ इसे। लम्मा करवा के एक दिन। राजू क्या बात हुई मुझे बता, धरती में गाड़ दूंगा मैं उसे, हाथ भी लगा दे कोई तेरे। अरे कहीं लड़ाई झगड़ा तो ना हो या मारपीट तो ना हुई है कहीं? अंकल जी ऐसी कोई बात ना, जब हम रास्ते में आते ना ये गिर गए। हाँ ना गिर गया बापू। अच्छा चल ठीक है, चोट तो ना लगी? ना। चल इसे दूध दिया अर्धी का बेटा, लूट जा कर दे। ये मार पिटाई वाली बात ना किसी को ना बताइए, मैं जा रही हूँ कल फिर आऊंगी। ठीक है। राजू मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिस रंजीत को तुम अपना भाई मानते हो ना वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे? ये जो जग्गा बिल्ला है ना ये सब उसी के आदमी है, पर तुम्हारी समझ में तो नहीं आएगी ये बात, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ तुम ना इनसे दूर रहा करो। या के पैडे पढ़ारी से मुझे लगे इसकी गेल में ढंग इसका भी गेली वो ठना पड़ेगा। बापू। हाँ। मेरे कंचे खत्म हो गए, पैसे दे दे। अपनी माँ पे तो ले ले भाई कंचे के पीछे। अरे माँ पैसे दे। के कर रहा है तू, कंचे खेल गया तू, कुछ और भी कर ले कर, हम तो तेरे बारे में जड़ के सोच रहे हैं, तू कंचों पे चिपटा रहा है हर वक्त। अरे तू बड़ा हो गया कंचे छोड़ दे। बापू कंचे खेलना भी तो काम ही है। बस। आंटी नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। मैं खेत पे जाऊं, इसे मेरी गैल भेज दो। चले जा भाई। हाँ हाँ हम खेल के। ठीक है तावड़े यार। देखे कितनी जोड़ी अच्छी लग रही है दोनों की इनकी है। तो बन जा भी या जोड़ी के ऊपर। हाँ। आज कहाँ है वो कुत्ते जो यहाँ पड़े रहते थे? कौन कुत्ते? वो रहे। चलो मेरे साथ। अब कहाँ ले जा रही? मैं जा रहा हूँ। अरे तुम चलो। अरे रहन दो ना। अरे फेर मारेंगे, रहन दो ना। मैं हूँ ना। राजू मार इसे कुत्ते को, मार। मैं ना मारू? अब ये फेर मारेंगे। अब ये कौवे चील का उड़ान उड़ेंगे, तू मारेगी? ओ भाई ओ भाई समझ, इसे कुछ तू ही मार ले। ओ भाई ओ भाई इसे कुछ मत कर। ओ भाई मैं तेरे हाथ जोड़ूंगा, इसे छोड़ दे। तू ही मार ले। ओ ये मत छेड़, मारना। ओ भाई चलो ले।
देखा राजू, तुम किसी से कमजोर नहीं हो, बस तुम्हारी सोच कमजोर है। रिश्तेदार देख, ये तो मकान नहीं है, ये बारदन्ना खड़ा, ट्रैक्टर, खेत का सारा बारदन्ना, और 135 बीघे धरती, मेरी गारंटी, और गांव में किसी का तसल्ली कर लिए, और भाई इन दोनों की भी मेरी गारंटी, जो एते बे भी कह दे। लंबरदार, कोई भी दिक्कत नहीं आने की, आ भी गई थी जिम्मेदार है, हमें तो कहन भी मत आइए, बस और बाकी उनकी माँ है। देखो जी, अकेला लड़का मेरा, जमीन जायदाद खूब है, संभाली भी न जा रही, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें लड़की चाहिए कि हमें बुढ़ापे में दो रोटी हमें दे दे, ठीक है जी। लड़की तुम्हारी हमने देख रखी है, हमारी समझ में आ रही है, और तुम कहते हो तो दोनों का अपने रिश्ता पक्का करें। हाँ जी, सब कुछ देख लिया, सब तो अच्छा है, अब ये बताएंगे। देखो जी, सब कुछ ठीक है, एक बार लड़के पर नजर लगवा देते। राजू रेगा, राम राम, राम राम, आजा। देखो जी, अच्छा ठीक है जी, तुम्हारा रिश्तेदार देख लिया था घर बार भी। हाँ सब कुछ ठीक है जी, अब तुम देख लो, लड़का भी देख लिया। हाँ। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, बेफिक्र हो, कहा कि इसके साथ ही कर दे। बस फिर तो ठीक है सब, कोई दिक्कत ही ना। तो तू ट्रैक्टर भी देख लो, इसमें के कमी शमी सी है थी। राजवीर इनकी डबता रिश्ता हो गया पक्का, ठीक है, अपनी तारीख पारीख से कटवा लो और बता दियो। है ठीक है, ठीक है रिश्ता। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। क्या कर रही है, झाड़ू लगाने का काम थोड़ा ही ना तुम्हारा, ला मैं लगाता हूँ झाड़ू। नहीं नहीं, औरतें लगाती है घर में झाड़ू। अरे औरत लगाती होगी, तू तो परी है, तू सिर्फ प्यार कर, प्यार ला मैं लगाऊंगा झाड़ू। नहीं नहीं, मैं ही लगा लूंगी, रहने दो। लगा ले झाड़ू बेटी। जी लगा रही हूँ माँ जी। अरे मैं नहीं कर रहा हूँ झाड़ू, नौकर लगाऊंगे, झाड़ू लगाने लायक थोड़ा ही ना, मैं तेरे लिए हवा महल भी बनाऊंगा, ये ईंट पड़ी है, हवाई महल ऊपर बनेगा हमारा, हम वहाँ रहेंगे ऊपर, ईंट मंगा दी है मैंने। चल ठीक है, बनवा लिए, जो कुछ महल बनवाएगा झाड़ू इसी लगा। अकलमंद सा हो गया ना हमारा राजू, अकलमंद, इन्हें तो चाड़ा पैट दिया। देख के डाल के लगा ले बेटी झाड़ू, कर ले बेटा, और फिर एक कप चाय बना ले मेरे लिए। इसका राजू का ब्याह हो लिया, इबीसी गोली पेड़ी अंडे पकड़ में, गोली को छोड़ दो, ये सूखे को लेकर बैठ जाओ दिल्ली खड़ता ही। जब सर राजू का ब्याह है तुमने खेत पे जाना छोड़ दिया ना, मुझे जान देता। आजा, आज मैं तुझे घुमा के लाऊंगा, देख बुलेट पे चलेगी या ट्रैक्टर पे चलेगी या कार में चलेगी, बता कौन सी चीज में चलेगी। और यू भी समझ में ना रही हो तो हेलीकॉप्टर आज ही मंगा दूंगा मैं, पैसा बहुत है मार दोरे, सब तेरे पे कुर्बान। रहन दो, हम कहीं ना जा रहे, पिताजी मना करेंगे। अरे नहीं मना करेगा, मैं ना जा रही खेत पे, मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। साड़ी गंदी हो जाएगी? हाँ। तेरे लिए 1,00,000 की साड़ी ला दूंगा, पैसा बहुत है मार दोरे, और सब तेरे पे कुर्बान। और बता खाने पीने की कोई बात हो, सब तेरा ही है, सामान बहुत है मार दोरे, पैसा बहुत है, तू एक मिनट रुक। अरे बापू, हाँ? चाबी दे दे। क्या कह रहे? मैं परी को उड़ा के ले जाऊं खेत में, जरा घुमा लाऊं। ओ भाई, परी को उड़ाने को रहने, तेरे पे ट्रैक्टर नाता चलाना, ऐसे काम कर जा, पैदल ही चले जा। बापू, हाँ? मैंने न्यू भी सुनी, हाँ? तने माँ को जवानी में फिल्म भी दिखाई थी, फिल्म दिखाऊंगा मैं परी को, मानू नी। हाय राम, इसे किसने बता दे? अरे तू तो एक रात में पढ़ा दे, दिखे बहू ना मुझे ऐसा लगे। हाँ माँ, मैं एक रात में BA TS सब कर दी। भैया ठीक भैया, और चाबी दे दे बहुत जल्दी। अरे तू पैदल ही चले जा। पैदल? हाँ। चल ठीक है, ठीक है, आऊंगा। हाँ। वही चीज घूमकर है। ठीक माँ। देख तेरी गोली में अब भी चुकती डोल ले जाऊं, अभी ना डिब्बे में बंद करके धर दे, तेरा ब्याह हो गया। अरे माँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक हेलीकॉप्टर खरीद दूं और तुझे और बापू को ऊपर ही ऊपर चारों धाम की यात्रा कराऊंगा। हाँ, बच्चा। ठीक है माँ, ठीक है, चिंता मत करेगा, मैं हूँ ना। ले ये कंचे अब डिब्बे में बंद करके धर दे, अब इसमें तेरे बालक खेलने करेंगे। हाँ माँ, इन्हें संभाल के धर लूंगा, अब मेरे बालक खेलेंगे, तेरे पोते खेलेंगे ना। हाँ। तेरे पोती पोता। ठीक है माँ। देखो भाई, यू जितना यू घास खड़ा सर तो यू साफ कर दो। ठीक
इसे टेक दो सारे लकड़ वक्कड़ सब एक डब्बा साफ कर दो पूरा यहाँ, ठीक है। और मैं तार लिया कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहा, ठीक है। ए, चलो लग जाओ काम पे, लग जाओ बस। ये सब सब ए उठा के सब उधर कर दे। अरे कर भी रहे कुछ, कोई टाइम पास कर रहे। बाबूजी कर रहे, कर बैलकर दो मिला। अरे ताईलिया कोल्ड ड्रिंक भी आ गई। जा यार। ये ले ठंडा। ये अंदर दमबार। सेरा के डसा हुआ पानी भी नहीं मांगेगा। अरे बैठ जा, लग जा लग जा, मैं भी यहीं लग रहा। चलो करो मिलके से। राजू इधर का। हाँ भाई शेरा। राजू ये ले कोल्ड ड्रिंक पी। मैं ना पीऊं? अरे मैं भी पी रहा हूँ। ना ना यार, हम ना पी रहे क्या? पी दे ले। ना भाई ना, मैं ना पीने का। परी ने मना कर रखी, नू कह रखी किसी गैर के हाथ की चीज खाए पी नहीं करते। अरे मैं भी तो पी रहा हूँ। ना ना मैं ना पीऊं। अरे राजू तू गैर बता रहा, मैं भाई हूँ तेरा, पी। तू तो मेरा भाई है। और पी। ला पी लुआ। हम भी तो पीने लग रहे, पी। ये क्या कर दिया परी तने? ये क्या पी रहे थे तुम? कोल्ड ड्रिंक थी। तुम्हें मना किया था ना किसी का दिया हुआ मत पीना। रंजीत मेरा भाई है। ये क्या पिला रहे थे तुम? अच्छा क्या पिला रहा? कोल्ड ड्रिंक है या? हाँ सही तो कह रहे, कोल्ड ड्रिंक तो है। हम नहीं पी रहे। हाँ? तुम्हारा कोई भरोसा है तुम क्या पिला दो? आज के बाद ना ऐसा मत कर देना वरना चक्की पिसवा दूंगी। मेरा भाई है यू। मेरा भी पति है यो। चलो राजू। परी, आज मेरा ऐसा मन कर रहा कि तुझे लेके आसमान में उड़ूं। ओहो हो, पंछी परी को लेके उड़ रहा है। शेर सिंह आज इसका पर काट देगा। शेरा लाए तुम अपना सौदा? हाँ लाया, एकदम कोबरा है जी। अरे कोबरा तो है, इंगे तिंगे तो ना भागा करेगा भी कुछ। अजी कसम बाली की, मंत्र ऐसा मार रखा डंक मई मारेगा, एक बार मुझे जान तो दो। शेर सिंह कर दे आज अपना काम। बिल्ला कर दे इसका डिल्ला। ठीक है उस्ताद। तू बिल्कुल एकदम सचमुच की परी लग रही है। बस 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 बस, कोई देख लेगा यहाँ? कोई नहीं देखेगा। ना ना बस आज मैं और तू। मोहब्बत की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे, बस प्यार में डूब जाएंगे। तू आ जा। क्या बाबा की? ज्यादा प्यार में ना नजर लग जा करे। कहीं नजर नहीं लगती, अब मैं और तू, सिर्फ मैं और तू। जय डेरे की। आ मोहब्बत की बात कर, आ गले लग जा। बस, बस, बस। आ जा।
क्या चुभा। चुभा नहीं है, सांप है। चलो ई व्यंतर निकट लो और उस पास अरे पेमिट, अरे पेमिट रुक रही है तेरी, चल दे मैं पेमिट भी। चलो हो गया काम भी तो, चलो राजू तू ना कुछ नहीं हो सकता राजू, कोई है हेल्प। कोई है जो मेरी मदद करेगा राजू? राजू मैं भी मत कुछ नहीं होने दूंगी राजू, राजू उठो प्लीज राजू। नहीं रह सकती राजू, राजू राजू उठो राजू, ये क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान ये तूने क्या कर दिया राजू, राजू तू तो कहता था मुझे लेके उड़ेगा, राजू तू तो अकेला ही उड़ गया, तेरे बिना मैं कुक कर रहूंगी राजू उठ राजू राजू। नहीं भाई राजवीर ओका पिए, बस भाई पी लिया ओका था, ओका बनने वाला ही न रहा। भाई रोवाना ये तो अपने बस की बात थोड़ी है, ये तो भगवान के अधीन बात है। और भाई समय तो काटना पड़ेगा, यू खाना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, घर का भी खेत का भी, ले मार घूट भाई लग ली मेरी तो। अरे भाई राजवीर यही तो पानी अड़ा सकता है, किसी के बस की नहीं है भाई, मेरे दुख सुख सबकी गल लग रही है भाई, कोई आसानी जिसकी गल ना हो, पर काम भी करने पड़ेंगे, भर रोटी भी खानी पड़ेगी, तो करना तो पड़ेगा। तो तू नू क्यों मान राजू मर गया, तू मुझे राजू मान ने, मैं तो खड़ा हां सी, सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, अब जा तू एक डब आराम से बैठ जा, कुछ भी कमी नहीं आन दू। मेरे रिश्तेदार लड़का थारा था तो दामाद तुम्हारा भी था, पर थारा मारा दुख क्या है चौधरी साहब, दुख तो हमारी लड़की परी को है। नंबरदार परी मेरी बेटी है, इसके दुख का भी सोचूंगा मैं ही सोचूंगा। अच्छा चुप हो जा, दुखी ना होवे, जो हो गया भगवान के हाथ में थी तो बात, इब तो इसे अपनी बेटी को परी को अपनी छाती का लगा, इसका ध्यान रख, भगवान का ध्यान दे, देख खाना भी पड़ेगा पहनना भी पड़ेगा सब काम करने पड़ेंगे, बस दुखी ना होवे बिल्कुल। चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। परी बेटा जो नसीब में लिखा है वो तो होना ही है, नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता, अब तू बता हमें क्या करना है। माँ अब मेरे सास ससुर ही मेरे माँ बाप है, अब मैं सारी जिंदगी इनकी सेवा करूंगी और इनके ही साथ रहूंगी। राजू की माँ जो होना था वो तो हो ही गया, पर मैंने बुझू कुछ इस घर के चलने का भी ढंग है, कुछ चलने का ढंग नहीं है इस बहू को ना है कुछ भी। इस बहू का होगा क्या? होगा क्या मैं तनु कह रही, इस बहू को रंजीत का बैठा दो, बुझ ले इससे तो यार रजी और मुंह कर लेंगे, नहीं तो इसमें तो बिचारी पाप ही कटा होगा, चुपकर कटेगा इतना लंबा। माँ जी उसका तो नाम भी मत ले लेना मेरे आगे, मुझे जहर खाना मंजूर है पर उसके नहीं बैठूं। बेटा परी तू समझती नहीं, जिंदगी बहुत लंबी हो, बहुत दुख दर्द हो, केले पे नहीं कटती। पिताजी कैसा भी जीवन हो मैं तो थारे धोरे ही काट लूंगी। अरे मेरी लड्डो मैनू कह रहा तू एक बार अपने मम्मी पापा को बुला ले,
ये तू मेरी बेटी है, तू जो कर कहेगी मैं नू कर। पिताजी चाहे आप मेरे माँ बाप को बुला लो या किसी को बुला लो, इस घर से तो अब मेरी अर्थी उठेगी। परी बेटा तू बालक है, ये भी समझती नहीं, जीवन में बहुत दिक्कत है। परी बेटा। पिताजी मैं परी नहीं, आज से मैं आपका राजू हूँ, थारा बेटा। बस बेटी मुझे तेरे से यूं ही उम्मीद। माता जी पिताजी अब आप चिंता ना करो, मैं आपकी सेवा में ही सारे दिन काट लूंगी। पूछा क्यों बावड़ी हो रही, वंका गया है, कोई आया जलो उल्टा, तू बस सब दिन निंगे गुला खाऊंगा, बीमार हो जाएगी। सुन मैं डॉक्टर को लम्मा बुला के नू निकरे कर दे। अरे समझदारी नहीं दिखावेगी, वह बबूर पागल हो जाएगी, ताला भिड़वावेगी घर का, नू निकरे कर दे। मेरे पे भी जोर पड़े पर की करूं मैं, एक बालक तो मारे भगवान नो भी ले लिया। चुक चुक के जाओ, मैं तेरी दवाई लेकर आ जा। पकड़ने के लिए तुझे आसमान में जाना पड़ेगा इंस्पेक्टर, सूरज तेरे हाथ नहीं आना। साला कहाँ गायब हो गया? जाएगा भी कहाँ बच्चे? मैंने भी इसकी टांग न तोड़ दी। ओ भाई साहब सुनियो यहाँ, आपने कोई काले कपड़े में कोई आदमी देखा भाग को? ठीक है चल ढूंढ लेंगे कहाँ गया। कैसा राजू, कौन राजू, आप कौन लेकर को? राजू भैया तो मर गया था, ये कहाँ से आ गया? आ गया, चलो हम चलते। अरे अरे सुनी 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 राजू, अरे मैं राजू नहीं हूँ ताऊ बुड्ढे। अरे बेटा तू सुन तो मेरी एक बात, तू कहाँ जा रहा, कौन है? मैं सूरज हूँ। सूरज तेनू की भाग्य जा रहा? अरे मेरे पीछे पुलिस है बुड्ढे। तू डर क्यों रहा, मैं छुटवा मैं पुलिस से तेरा पीछा? कैसे छुटवा होगा पीछा, तू मेरा एक काम कर दिए छुटवा दूंगा मैं, बगैर पैसे के कोई काम नहीं करता हूँ। अरे बेटा तू पैसों में भी कर दिए, जितने चाहो उतने ले गया कर दिए, पर तू मेरा एक काम कर। हाँ कर दूंगा। चल तूने बता कितने पीछे लेगा? पैसे लूंगा 5 लाख रुपए। 5 ही मिलेंगे पर ठीक है, पर एक बात बता बुड्ढे, यू राजू के बला है, राजू है कौन? अरे बेटा यू ही तो काम है, मैं सब समझा दूंगा, तू मेरी गला। ठीक है राजू की माँ उठिए, उठ आँख खोल, देख मैं किसे लेके आया। मेरा बेटा राजू। हाँ राजू। परे परे देख राजू आ गया, परे बक्का जल्दी, तू ठीक होगा बच्चे मेरे। देख राजू आ गया।
परी बेटा जा राजू को दूध दे दे ले जा अंदर। तुम यहां बैठो आ जाओ। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है मेरा राजू तन्ने वापसी भेज दिया। भगवान इसके सारे या जीत ले। कौन है तू? मैं हूँ किरायेदार। किरायेदार है तू? किरायेदार है ना तू? तो किरायेदार की तरह ही रहिए, मालिक बनने की कोशिश मत करिए, समझ गया? ठीक है भाई साहब। किसी काम का? हाँ जी। राजवीर के घर की पता? हाँ जी। हमें दिखा देगा तनक? क्या बात होगी जी, बता देंगे, पहले बता, दिखा तो सही घर। चलो जी। यू है जी उनका घर, जाओ मिल लो। चल तो चल, तू भी चल। मैं नहीं जा करता जी, किसी का तुम चले जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ बैठो। राजवीर कौन है तुमने? मैं ही हूँ जी। की बात हुई? क्या काम करते हो आप? मैं खेती बाड़ी करूंगी। मैंने सुना आपने कोई मोस्ट वांटेड पाल रखा दिखा है। ना जी, मैं कोई मोस्ट वांटेड नहीं पाल रखा। सुनी मैंने तो? ना, गलत सुनी तुमने। कहाँ है, उसे बुलाओ। अजी हम ऐसे काम नहीं करते, हम क्यों पालेंगे मोस्ट वांटेड को? ये रे मास्टर जी, इन्होंने पढ़ाया भी, वो प्रधान जी है गाँव के, इनते पूछ लो, वो तो छोरा है हमारा राजू। मैं बाद में पूछूंगी, पहले उसे बुलाओ। कहाँ है, बुलाओ उसे। अरे राजू, पूरे को एक बार फिर धो लिया मोटरसाइकिल को, आजा। प्रधान जी लोग का पियो। युवराज जी, राजू राम राम, आजा। चल भी चल पकड़ी से। सुनो सुनो सुनो, बैठो साहब, बैठो बैठो बैठो। हमें पहले इसका मैटर तो बताओ क्या है। बता देंगे प्रधान जी, चलो तुम भी थाने। नहीं नहीं, थाने में चल पड़ेंगे, लेकिन इसे ये बताओ, दोषी है काहे में? दोषी है यू? यो 420 का काम करे, ड्रग्स यो बेचे, गांजा यो बेचे। सुनो मेरी बात, चोर चकारा यू। अब सुनो मेरी बात, मैं भी ग्राम प्रधान हूँ, जिसे आप तलाश कर रहे हो ये वो नहीं है, ना तो ये कोई तस्करी करता, गांजा शराब सुल्फा इसका कोई मैटर नहीं है, इसे मैं और बच्चे से जाऊँ, मास्टर जी बच्चे इन्होंने ये पढ़ाया। यू सूरज है, और थाने में जाते सब कुछ उगल देगा यू, इसे मैं अच्छी तरीके से जानू, एक नंबर का बदमाश है यू प्रधान जी। चल भाई चल, लेगा चली सर। अब बैठो एक मिनट, बैठो, रुको रुको, मैं भी एक ग्राम प्रधान हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, थाने लेके मैं से खुद आऊंगा, ऐसी आसान बात नहीं है इसको थाने ले जाना। ठीक है प्रधान जी, आपकी जिम्मेदारी पे से छोड़ के जा रही। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक है, हम आएंगे लेके। ठीक है प्रधान जी, इसे थाने में लेकर आ जाइए, ना तो मैं डंडे मार के ले जाऊंगी इसे। ठीक है जी, ठीक है। यार सूरज, बदमाशी बहुत कर ली, लूट खचोट बहुत कर ली, अब राजू बनने में क्या नुकसान है? अब मैं शरीफ हूं, अब शरीफ बनना पड़ेगा। फिर एक बात और भी है, यहाँ पुलिस का डर नहीं, यहाँ सब कुछ यहाँ सेफ है। राजू की माँ, मैंने घूमता मगर इसका परी की तो कोई शिकायत से ना है? कुछ भी शिकायत ना, ठीक कर रही हो तो बेचारी काम। चलो ठीक है, इसका भी टाइम सा कट जाएगा, और हमारा भी नहीं रोज ही क्या पूछता हूँ। तू से समझाता क्यों ना भाई, नु काम चल जाएगा हमारा, खेत में वो नहीं जाता, धंधा कुछ वो नहीं करता, नु बता क्यों कर चल लगा सारा, मैं ये देख खुदा करूंगा रोज। ओ भाई रंजीत, वो जो कुछ करे तू उसे कर ले, उसे कुछ कहिए ना, जो तेरे पे भी ना होगा हम मजदूर भेज के करवा लेंगे, पर उसे गांठिया फटकारी है ना, वो बेचारा ठीक कर रहा, दो कुछ कर दे। ओ भाई रंजीत, मेरे बालक को कुछ मत कह दिए तू, देख कैसे कैसे तो भगवान ने वापसी फेरा, काम सुसरा हो या मत हो, तुझे जो कुछ करना हो कर, और ना करना तो भैया आराम से घर बैठ जा, मैं तो अपने किसी नौकर चाकर को लगा के और करवा लूंगी काम, और भैया मेरा तो मालिक है वो घर का, सब धंधा उसका ही है।
ठीक है ताई ठीक है। एक सांप का डंग बैठाया पर दूसरा बिल में तली कड़ी का आया, इसका भी फंड कुछ लेंगे। बढ़िया प्रधान जी, बस थारी दया था कट जाते। एक आग बू गया? हाँ एक बू गया। जुआर बू गई सब? बकरा खी पड़े सी बू गई। तो परी बोली होगा काम से? बस इक दे लगे और 10 दिन। बापू हुक्का भर दूँ? हुक्का तो तू छोड़, तू पानी पैद। ठीक है जा जो जो जी। और गैंगस्टर उड़ा कोई है? के कह रही गैंगस्टर? गैंगस्टर तो हूँ ही मैं। निकल जाए इस घर से, इस घर में गैंगस्टर की जरूरत नहीं है। मैं गैंगस्टर था पर अब नहीं। रही बात जाने की तो मैं चला भी जाऊंगा, पर माँ को और बाप को छोड़ के मैं नहीं जा सकता। मेरे जाने पे माँ को और बापू को बहुत दिक्कत आ जाएगी और तुझे भी आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँ। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। ठीक है तो तू रुक जा, पर तू एक बात सुन ले, तेरा वास्ता ना माँ बाप से है, मेरे से नहीं। और मैं तेरी कोई शिकायत ना सुन लूँ, जाए भी खेत पे। बापू हाँ बिजली आ गई, मैं खेत में जाऊँ और तू मत ये करी बेमतलब परेशान हुए। ना ना कोई बात नहीं कर लिया। खड़ा आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कौन है भाई? शेर सिंह। कोई शेर सिंह है कुत्ता सिंह कौन है ना? एक को तो हमने निपटा दिया था, तू कौन है भाई रुपया? सारे जिसने मेरे पे पहला हाथ ठा दिया, यू बोतल उसके पेट में दे दूंगा, हार दूंगा सिस्टम। आ शेर सिंह को डरा रहा है? शेर सिंह नहीं डरता। सिस्टम फाड़ दूंगा सिस्टम। आ लगा हाथ, आना आना साले, आ मार आइजा आना। इधर आना एक बार। क्या भैया? मेरी नाक में कुछ चला गया है, देखना। अबे पर ये गैर यू कौन है? यू बेरुपिया। ए भाई क्या हो रहा हूँ? और राजू तू? तू कब आया? अरे मैं तो आ गया, तू क्या कर रहा है यहाँ? अबे कौन है तू बेरुपिया? साले राजू बनके मेरे माँ बाप का बेवकूफ बना रहा और यहाँ परी का भी बेवकूफ बना रहा। साले फायर धुआं, परी को छोड़ निकल। भाई एक बात तो बता, तू इतने दिन था कहाँ? भाई ये बहुत लंबी कहानी है। भाई जैसे ही मेरी आँख खुली मैं सपेरे धोरे मिला। अच्छा तो सपेरे ने मुझे बताया कि हमने तुझे नदी में से काटा और तेरे सांप ने काटा था और हमने तुझे जिंदा करा। तो सांप ने तो मेरे यहाँ काटा ही था, इतने से मुझे भी याद है। फिर मेरे से उन्होंने कहा कि भैया तू अपने घर जाना चाहता हो तो अपने घर चला जा, पर हमारे डेरे में रहना चाहता हो तो डेरे में रह जा। और फिर क्या हुआ? और फिर मुझे होश आते ही घर की याद आई, अपने माँ बाप की याद और परी की याद आई, और फिर मैं यहाँ आ गया। फिर भैया तू मिल गया। और ओए आज के बाद यहाँ दिखाई मत दीजिए, ना तो परी के पास और ना मेरे माँ बाप के पास और ना मेरे खेत में। अरे जा जा देख लूँगा मैं तुझे। नहीं कह रहा परी के द्वारा मत आइए। अब अभी तो मैं शुद्धा हुआ हूँ, अभी तो मैं शरीफ बना हूँ और तू आगे आ गया अभी। और वो फरोड़ एक बात और सुन ले, अगर आज के बाद इस गांव के आसपास भी नजर आ गया ना तो तेरी खाल में भूस भर दूंगा, सिस्टम बैठा दूंगा सिस्टम। अब भाई इस बात को तो बापू बताऊंगा। अरे तो फिर बुलाना माँ बापू को, चल निकल।
भाई सुन, सारी गलती मेरी है। मैं लोगों की बात तुम आके गुमराह हो गया, भटक गया लालच में। ईब चेता मेरा गोली मार दो। ताऊ जी, यह सारी गलती मेरे तेरी। मैं लोगों की बात तुम आके भटक गया था, मजा माफ कर दो। मैं माफी चाहूँ। कर दिया माफ भी कर दिया। भाई मैं तो नू कह रहा, किसी का किसी को हड़पे तो नहीं हो जाता उसका। छल और बल तो ली गई चीज नहीं रहती उसके दौरे। रहे भाई जिसे परमात्मा दे। इन बात में कुछ नहीं धरा, ये छल छगड़ करने छोड़ दो भाई। कुछ नहीं मिलने का, जिसकी चीज है वो उसके दौरे जा कर है। तू ऐसी करता रह रहा ताई ताई है। ओए चल थाने। आजा भाई ब्रजवीर। अरे भाई के बात बहुत दिन में आया। भाई आने का काम ही नहीं छोड़ रखा था मैं, ऐसा काम हो रहा था। क्यों भाई ऐसा के काम कर दिया था? अरे भाई मैं तेरे गल बहुत बड़ा धोखा कर रखा। जिस छोरे को पुलिस ले जा रही पकड़ गया, यूं भी तेरे ही है। मैं कहूं नहीं था। अरे भाई जी तेरे बालक हुए थे, तेरे जोड़िया बालक हुए थे, जिनमें डॉक्टर को रुपये देगा, मैं एक ले लिया था इनमें। अरे भाई ब्रजवीर मैं ही पाया के सब है धोखा देने को। यूं मेरे भाई का यूं भी मुझे धोखा देने लग रहा। अरे मेरा तू तो मेरी गैल पड़ा था, तै भी धोखा दे दिया। अरे भाई मेरे से गलती होगी या मैं इस बात की गलती मान लूं? यार कुछ तो है धोती होगी, बस माफ ही कर दिया हमने तो। हमने यूं माफ कर दिया, तू भी माफ है मेरा, बस बतेरा होगा। ठीक है भाई ब्रजवीर, मेरे बालक मेरे घर आ गए। सूरज यू क्या चक्कर है भाई? अरे वैसे भी यार तू तो मेरा भाई है, यू पुलिस का क्या चक्कर है भाई? हाँ भाई पुलिस वाली मैडम, तुझे एक बात बता दूँ, सूरज हूँ ना, सूरज मैं हूँ मैं। और हाँ भाई सूरज, तू तो जब भी माँ बाप का लाडला है, तू तो जब भी कर रहा था, अब भी करो जा। खाने में तो मैं ही चला जाऊँगा, ले मौज। यस चलो मैडम मैं चलूंगा थाने, मैं हूँ सूरज। अरे मैडम जी यू झूठ बोल रहा, सूरज तुम्हारे सामने खड़ा, मैं चलूंगा थाने। और सुनो मैं तो सारी उम्र के लिए हथकड़ियों बंधने को तैयार हूँ, हिम्मत करो ना, लगाओ हथकड़ी। पर ऐसा ना हो सके कि सारी उम्र मुझे हथकड़ियों में कैद कर लेते हैं। है हिम्मत? मैं तो सारी उम्र हथकड़ी लगवाने को तैयार हूँ, पकड़ो लगाओ हथकड़ी। क्यों माँ? बहुत दुख देख लिया हमने, अब तो मेरे एक छोड़ दो तो बेटे आ गए, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे थानेदार नहीं, अब मेरा दूसरा बेटा भी कुआरा, दोनों की शादी कर दूंगी, एक मेरा पहले ही शादी शुदा। मैंने सब सुन लिया, चल तेरी गलती माफ करी मैंने। ये तो बढ़िया काम हो गया। हथकड़ी का क्या होएगा? तेरी हो सजा। तू मुझे सुबह सांझ चौकी छोड़ का करेगा और लेकर आ करेगा, और हाँ खाना दोनों टाइम का बनाएगा। ठीक है मैं आ गया हूँ। अरे पहले ही अभी कह रहा उसे किरण तो दे। उस्ताद आज तो ये फोन ही हत्थू लगे, कोई मोटा दोबारा लाए पैसा। नहीं मैं नहीं लेगा, मैं चोरी करना पाप है। ओए लाइए थाम जा। मैं नहीं चोरी करना पाप है। ओए लाइए थाम जा। चोरी करना पाप है, हमारी रोजी रोटी पे लात मार रहा।
भाई रोजी रोटी को बता रहा था। ठीक है राजू, क्या हुआ राजू? मार से कुत्ते को। कोई तो कहना कुत्ते को। कैसे राजू मार से कुत्ते को? मैं ना मारू? अब ये कौवे चील का उड़ान उड़ेंगे। एक मिनट, गर्मी बहुत है। एक्शन। यू कहाँ लेके चल दिया कछुआ सा राजू को? पता ही ना, तड़े ही तड़े लेके जा रहा। एक्शन। यू कछुआ सा कहाँ लेके चल दिया हमारे राजू को? पता ही ना, तड़े ही तड़े लेके गया ही। अरे तुम क्या कर रहे हो? राजू हट जा किधर। रेडी रो। यू कछुआ सा कहाँ लेके चल दिया हमारे राजू को? पता ही ना, तड़े ही तड़े जा ही तो ले। यू कौन सी बेल का कछुआ?